हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हमारी उत्तराखंड बीएसएनए की प्रैक्टिस सेट का 118 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के गेवाड़ क्षेत्र के अलावा किस जनपद को भी रंगीलो बेराट कहा जाता है? उत्तरकाशी जनपद को। बिस्वार व गेरू की सहायता से रसोई घरों की दीवारों पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्र कहलाते हैं नात या टुपुक चित्र। लेपने या सजावट करने की ऐसी कला जिससे मांगलिक एवं धार्मिक अवसर पर देहरिया आंगन में चित्र बनाए जाते हैं ऐपण या छिपण कला। असंगत युग्म का चयन करें। ऑप्शन देखते हैं, आरती की थाली पर शैली चित्रांकन या संगत युग में शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु स्यो चित्रांकन या भी संगत युग में शरीर पर नाम फूल देवी देवताओं के चित्र गाजो या गोदना या भी संगत युग्म है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई भी असंगत युग्म नहीं है। दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार एवं तिजोरी पर बनाए गए माँ लक्ष्मी के पांव चिन्ह कहलाते हैं लक्ष्मी पो चित्र। मिट्टी से बनाई गई देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां कहलाती हैं डिकारे या डिकरा। विष्णु जी की देवलगढ़ की मूर्ति किस शताब्दी के आसपास की प्रतीत होती है? 11वीं शताब्दी की। नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति निम्न में से किस मंदिर में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, जागेश्वर के नटराज मंदिर में स्थित है, गोपेश्वर के मंदिर में भी स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों। धनुष आकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त शिव की संहारक मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? लाखा मंडल देहरादून से। निम्न में से चीला या चीलड़ा क्या है? कुमाऊनी व्यंजन। हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया हल्द्वानी नैनीताल में। उत्तराखंड आरोही योजना का संबंध है अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की कंप्यूटर शिक्षा से। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाना था? ऋषिकेश में। उत्तराखंड की रक्षा पवार और अनीता रावत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अंकिता ध्यानी का संबंध है रेसलिंग से। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? पौड़ी गढ़वाल की। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है पंत नगर उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड के सबसे पूर्वी पश्चिमी जिले हैं पिथौरागढ़ देहरादून। उत्तराखंड का पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है और पश्चिमी जिला देहरादून है और उत्तरी जिला उत्तरकाशी है और दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर है। उत्तर का वाराणसी उपनाम है बागेश्वर जनपद का। निम्न में से किस नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? कोसी नदी को। उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को कहा जाता है जागर। उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल थे मार्गरेट अल्वा। ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। वर्णित हट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बेदनी में। रिंगाल का उपयोग किया जाता है टोकरी कालीन बनाने में। केदार कांठा के संबंध में असुमेलित है। ऑप्शन देखते हैं, दुर्लभ औषधीय पौधों के लिए यह सुमेलित है, वर्ष में लगभग 4 माह वर्षा रहती है यह भी सुमेलित है, केदार कांठा भुग्यालय यह भी सुमेलित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है यह असुमेलित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केदार कांठा भुग्याल यह उत्तरकाशी जनपद में है। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था हल्द्वानी नैनीताल में। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं समशीतोष्ण वनों की विशेषता। कलियासोड भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में।
निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, मोर पर बैठे गणेश मूर्ति लाखा मंडल में यह सुमेलित है, शिव की संहारक मूर्ति लाखा मंडल में यह भी सुमेलित है, नृत्य करते गणेश मूर्ति जोशी मठ में यह भी सुमेलित है, मयूरासन कार्तिकेय मूर्ति लाखा मंडल यह असुमेलित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऐसा लोक चित्र जिसे घर के आंगन या दीवारों पर विभिन्न रंगों से चित्रित किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, एपण अल्पना दोनों कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों। नंद प्रयाग घाट आंदोलन किस मांग से संबंधित है? सड़क चौड़ीकरण से। फरवरी 2021 में चमोली जनपद में किस नदी में बाढ़ आने से भारी तबाही हुई? ऋषि गंगा में। उत्तराखंड आंदोलन के रामपुर तिरहा कांड पर आधारित लघु फिल्म रक्त रंजित के निर्माता निर्देशक कौन है? जयदेव भट्टाचार्य। रामपुर तिरहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। उत्तराखंड में पलायन पर आधारित पांडवाज ग्रुप की लघु फिल्म इंकुलास में निम्न में से किस कवि की रचना को शामिल किया गया है? जगदम्बा चमोला की। संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए निम्न में से किनका चयन किया गया है? नरेंद्र सिंह नेगी का। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।